day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम सुबह के 11 बज रहे हैं और इस वीडियो में करने वाला हूं मैं अपनी स्कूटी के साइलेंसर को पेंट। तो बहुत दिनों से ना स्कूटी का जो साइलेंसर है वो बहुत गंदा हो रखा था, उसका पेंट निकल रहा है, जगह जगह से जंक लग रहा है उसमें, तो बहुत ही ज़्यादा बेकार सा लगता है स्कूटी में। स्कूटी एकदम अलग कलर की लगती है, चमकती रहती है, और साइलेंसर बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा आज उसको पेंट करते हैं, थोड़ा नया जैसा बना देते हैं। और जो पेंट है वो मैं लेके आ गया हूँ, कैन वाला पेंट है, 80 रुपये का लाया हूँ स्प्रे पेंट, मैट ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर दो आते हैं, ग्लॉसी ब्लैक और मैट ब्लैक। बॉडी में कर रहे हो तो ग्लॉसी ब्लैक ज्यादा बढ़िया रहता है, लेकिन इन सब पार्ट्स में मैट ब्लैक ज्यादा बढ़िया रहता है। तो चलो अब करते हैं पेंट और आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। देखते हैं पेंट करने के बाद स्कूटी कैसी लगती है, बढ़िया लगती है या बेकार लगती है। तो सबसे पहले साइलेंसर की हालत देख लो कितनी ज्यादा बेकार हो चुकी है। फिलहाल जो ये स्टील वाली प्लेट है ये तो निकाल दी है मैंने, दो नट होते हैं बस, उन्हें खोलना है और निकल जाता है आराम से। तो अब सबसे पहले इसे साफ कर लेते हैं पानी से। पानी के साथ साथ यूज कर रहा हूँ मैं एक माइक्रोफाइबर क्लोथ जो कि बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, और ऊपर से साइलेंसर में कीचड़ वीचड़ भी लगा है ना, तो वो अच्छे से साफ कर लेना पहले पेंट करने से पहले, जैसे मैं कर रहा हूँ, वरना पेंट के साथ साथ मिट्टी भी चिपकी रह जाएगी साइलेंसर में, फिर पेंट ढंग से हो नहीं पाएगा, देखने में बेकार लगेगा। तो अब देखो साइलेंसर में दिक्कत क्या आ रही है, पूरा साफ करने के बाद भी ना ये ऐसे ही रहता है, डल डल सा फेड कलर, जंक लगा हुआ, कहीं कहीं से पेंट उखड़ रहा है इसका। तो साफ कर दिया है, अब करेंगे इसमें पेंट। ये देखो यहाँ से भी पेंट उखड़ रहा है, इसको एकदम ब्लैक कर देंगे। इस वाली चाबी से खोलना है आपको, दो ही नट होते हैं इसमें, ये रे बस। मेन जो मैं पेंट कर रहा हूँ वो दो जगह की वजह से कर रहा हूँ, एक ये वाली जगह और दूसरी ये वाली जगह, यही सबसे ज़्यादा ख़राब लगती है इस साइलेंसर में देखने में। और ये वाला पेंट है जो मैं करने वाला हूँ अपने साइलेंसर में, देख लो पढ़ लो इसकी डिटेल्स क्या लिखी है इसमें, 4 matte black। कोई अच्छे ब्रांड का तो नहीं है, बस ऐसी स्प्रे पेंट लिख रखा है इसमें, और इन इन चीज़ों में आप कर सकते हो ये पेंट, बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हो, लकड़ी में कर सकते हो, लोहे में कर सकते हो, और वो भी लिख रखा है कैन पे कि कैसे करना है पेंट, सारी चीज़ें लिख रखी है। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं पेंट। ये देख लो पेंट करते ही कितना ज़्यादा बढ़िया लगने लग गया है साइलेंसर। तो पहले मैं पेंट कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो अब देखो फाइनली पेंट तो हो चुका है अपना कंप्लीट, और अब साइलेंसर देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। पेंट करने के बाद ना आपको कम से कम 6-7 घंटे उसे सूखने देना है अच्छे से, ताकि पेंट एकदम बढ़िया तरीके से सूख जाए और निकले ना बाद में। तो अब टाइम दोपहर के 4 बज चुके हैं और अब मैं पहुंचने वाला हूं पेट्रोल पंप। ये देख लो पैसे, तेल डलवाऊंगा इन पैसों से, बहुत ही ज़्यादा पैसे आ चुके हैं मेरे पास तेल डलवाने के लिए। चलो देखते हैं कौन देगा मेरे को 100 रुपये का तेल। अंकल 100 रुपये का डाल दो। तो तेल डलवा के अब निकल चुका हूं मैं वापस घर जाने के लिए, घर नहीं पार्क जाने के लिए निकला हूं अभी, तो घर उसके बाद जाऊँगा। और अभी थोड़ी देर में आपको वो दिखा देता हूँ जो मैंने पेंट किया है अपनी स्कूटी का साइलेंसर, तो कैसा लग रहा है अब सूखने के बाद। अब तो काफ़ी टाइम हो गया है उसको सूखे हुए, और मैंने उसको लगा के स्कूटी चला भी दी है 10-15 किलोमीटर। उस एग्जॉस्ट की वजह से ना स्कूटी बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती थी, चाहे कितना भी धो लो, कितना भी साफ कर लो, कितनी भी पॉलिश कर लो, वहाँ अजीब सा ही रहता था, सूखा सूखा सा, जंक जैसे कलर का, ब्राउन ब्राउन सा, पता नहीं क्या चीज़ थी, साफ ही नहीं होता था। लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। वैसे तो आपने देख ही लिया है, लेकिन उस टाइम स्कूटी चली नहीं थी, तो मैं सोच रहा था ना क्या पता गर्म होके पेंट निकल जाएगा, लेकिन पेंट बढ़िया है, निकल नहीं रहा। और वो जो स्प्रे पेंट की कैन है वो मैं 80 रुपये की लाया हूँ, और उसमें काफ़ी ज़्यादा पेंट आता है यार, अभी भी बहुत सारा बचा है उसमें। उससे मैंने एक दो चीज़ें और पेंट करी है, पर फिर भी बहुत सारा पेंट अभी उसमें बच रखा है, तो कोई नहीं बाद में काम आ जाएगा किसी और चीज़ में। ओहो अब जाके थोड़ी छाया आई है, कितनी तेज़ धूप होने लग गई है 4 बजे भी, नहीं तो 4 बजे ठंडियों में अंधेरा होने लग जाता है, और गर्मियों में देख लो, गर्मियों में तो 6 बजे भी अंधेरा नहीं होता, लेकिन गर्मियों में इंसानों के पास ज़्यादा टाइम रहता है काम करने के लिए, और सोने के लिए कम टाइम रहता है, और ठंडियों में सोने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है और काम करने के लिए कम टाइम मिलता है। तो ये सब नेचर ने ही बना रखा है कि किस टाइम हमें ज़्यादा सोना है, किस टाइम कम सोना है, किस टाइम ज़्यादा खाना खाना चाहिए, किस टाइम कम खाना खाना चाहिए। तो देखो अब दिखाता हूँ मैं आपको अपना साइलेंसर कैसा हो गया है।
पेंट करने के बाद ये देखो अब कुछ ऐसा लग रहा है, देख रहे हो कितना ज़्यादा बढ़िया हो गया। और यहाँ पे जहाँ जंक लग रहा था ना वहाँ से भी एकदम साफ सुथरा हो चुका है। आईफोन के कैमरे से दिखाता हूँ आपको बढ़िया तरीके से, तो अब देखो कुछ ऐसा दिख रहा है एग्जॉस्ट। और यहाँ पे जंक लग रखा था बहुत सारा, यहाँ ना ब्राउन ब्राउन सा रहता था, कभी हटता ही नहीं था वो कलर कितना भी धो लो, लेकिन अब एकदम ब्लैक ब्लैक हो गया है। मैं सोच रहा था यहाँ पे भी पेंट कर दूँ, लेकिन ये जो ऊपर वाली पार्ट है ये हट ही नहीं रहा, इसके नट बोल्ट एकदम जाम हो चुके हैं, जंक लग गया है इनमें। तो मैंने बहुत कोशिश करी इन्हें खोलने की लेकिन खुला नहीं। तो ये वाली पाइप दिख रहा है इसको भी मैं सोच रहा था पेंट कर दूँ, बाकी देखते हैं बाद में करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको देख लो। और यहाँ से ना पूरा पेंट उखड़ गया था, वो भी एकदम रिपेयर हो गया, और अब एकदम बढ़िया लग रही है स्कूटी देखने में, नई नई जैसी, ऐसा लग नहीं रहा कि पुरानी स्कूटी है, 4 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं इसे, लेकिन आज भी एकदम चमकती रहती है चारों तरफ से। और थंबनेल्स भी ले लिए मैंने बहुत सारे, थंबनेल लेना यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़रूरी वीडियो बनाना है ना, जितनी मेहनत वीडियो में लगाते हो उतनी थंबनेल में भी लगाया करो, पर ये बात मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में, यहाँ तक कि वीडियो से भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं थंबनेल्स। वीडियो तो लोग तब देखेंगे ना जब थंबनेल बढ़िया होगा, जब थंबनेल ही बढ़िया नहीं होगा तो कितनी भी बढ़िया वीडियो बना लो देखेंगे नहीं लोग, मतलब क्लिक नहीं करेंगे वीडियो पे। और थंबनेल बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा तो वीडियो अगर थोड़ी डाउन भी होगी ना तब भी लोग देख लेते हैं, और ना भी देखे क्लिक तो करेंगे ही, व्यूज़ तो काउंट हो ही जाता है, एड तो चली जाती है। यहाँ पे आज लग रखा है मंडे बाज़ार, बहुत बड़ा बाज़ार लगता है इधर। यहाँ पे देखो गाड़ियों में काम हो रहा है, रिपेयर भी होती है यहाँ पे, डेंटिंग पेंटिंग भी होती है। एक बार यार नैनो लेके आऊँगा, कब से सोच रहा हूँ मैं ला ही नहीं पा रहा, लाता हूँ पर उस टाइम याद ही नहीं रहता। अब अगली बार लेके आऊँगा ना तब पूछ लूँगा यहाँ पे कितने की होगी उसकी डेंटिंग पेंटिंग, सस्ती हो जाएगी तो करवा लूँगा, फिर गाड़ी और ज़्यादा बढ़िया लगेगी देखने में। आज तो यार स्कूटी चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जाते टाइम भी मैं ऐसे लेके गया था स्कूटी को फुल स्पीड में, हैंडलिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है जुपिटर की, और रोड पे एकदम चिपक के चलती है, इन चीज़ों की वजह से मेरे को बढ़िया लगती है ये वाली स्कूटी। और एक्टिवा में यही दो चीज़ें मिसिंग है, एक्टिवा की हैंडलिंग अच्छी नहीं है और रोड पे चिपक के नहीं चलती, वो उड़ती रहती है रोड पे, और ऊपर से जब इसमें ब्रेक मारते हैं तो इसके शॉकर अंदर घुसते हैं, रोड पे चिपकी रहती है ये। एक्टिवा पे ब्रेक मारो तो ऐसा लगता है अभी दूर जाएगी फिसलती हुई, लेकिन एक्टिवा का इंजन इससे ज़्यादा अच्छा है। जो चीज़ जिस गाड़ी में बढ़िया होती है मैं वही बता देता हूँ, इंजन के मामले में जुपिटर एक्टिवा को नहीं हरा सकती, लेकिन ओवरऑल जुपिटर ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है एक्टिवा से। और इसी के साथ पार्क आ चुका है, तो यहाँ पे थोड़ी सी रनिंग वॉक कर लेते हैं, सेहत बना लेते हैं, क्योंकि एट द एंड हमारी सेहत ही हमारे काम आती है, बाकी कुछ भी काम नहीं आता। Give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss. तो रनिंग करके जा रहा हूँ अब मैं वापस घर, और आज यार ज़्यादा हो ही नहीं पाई वॉक और रनिंग, पता नहीं क्यों तबीयत थोड़ी डाउन डाउन सी लग रही है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर देते हैं, अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में, जय हिंद।